यहाँ पे भी हम और हम ही हमेशा रोस्ट कर रहे होते हैं, सामने वाला हमको रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रिप्टिंग हम कर रहे होते हैं। गुड गुड मॉर्निंग, मैं किसी का कुछ सामान पहुँचाने जा रही हूँ और इतना अच्छा रास्ता है, पहली बार आ रही हूँ यहाँ से। नहीं, मेरा खुद का गाँव इतना सुंदर है, मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। नीचे से तो और भी गंदा रास्ता, तो मैंने व्लॉग ही नहीं किया, बनाया व्हाटएवर। इट्स एक्चुअली सो डैम हार्ड। अरे भाई साहब, सारे बचपन से गांव में होते हैं। अब ये वाला घर है, ये वाला। वैसे मैंने फोन किया है, या मे बी वो आ जाएगा। 5 मिनट वेट करती हूँ, नहीं तो फोन करती हूँ। लोकेशन अच्छी है ये चाय पीने के लिए। मुंह भी नहीं धोया। आई हैव वेटेड इनफ, एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। एटलीस्ट इतना तो पता चले घर कौन सा वाला है। तू क्या पा रहे हो के? उसने बोले, उसने नहीं बोले मेरे को यहाँ से। मैं आ पा रहे हो के? मैं यहाँ से आ रही थी। तेरा घर ये वाला है, इस तरफ है, ये ट्रांसफार्मर से ऊपर। ठीक है, चलो ना ऊपर। नहीं नहीं, अगली बारी। बाय। ठीक है, ओके ओके। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी यार, मेरी चप्पल ऑलरेडी बहुत स्लिपरी है। हम जाएंगे, कहीं डिगना चाहूँ मैं, नहीं डिगती, इतना स्लिपरी। मैं वो जीटी वाली लड़की जैसे चल रही थी, पता है, इतनी मुश्किल से आई हूँ मैं। शुक्र है मैं नहीं गिरी। मैंने फोन एकदम पॉकेट में रख दिया था, उसके बाद मैं ऐसे करके आई। अभी भी है लेकिन अभी होश नहीं है। एटलीस्ट वहाँ से तो मैं मरी जाती अगर मैं व्लॉगिंग कर रही होती तो। ये हमारा मंदिर है जहाँ मैं अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। और ये यहाँ पे फ्लावर्स लगे हैं देखो, इतने सारे। और ये किसने लाए थे यहाँ पे? द वन एंड ओनली हमारी फूलन देवी माता श्री। यहाँ देखो कि वो नंदी है, महादेव है, यहाँ पे हनुमान जी है। किंतु हम अपना थोपड़ा धो करके नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। ये रास्ता था ना यहाँ से, तो यहीं से जाना पड़ा, किंतु साइड साइड से। ओके, आई सी यू सुपर सून। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते सुपर सून, ऐसे भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाय, मैंने अपने लास्ट व्लॉग के एंड में ही बात बोली थी कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी के मेरी दिवाली क्यों बर्बाद हो गई। मेरी दिवाली कम्प्लीटली बर्बाद हो गई। एक्चुअली जो मेरे यहाँ पर थोड़ा दांत का इशू है, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया था कि आपका एक दांत नहीं है, मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब ये फिक्स भी नहीं कर सकते। कुछ है इशू यहाँ पे, और कभी कभी बहुत रेयर यहाँ पे पेन होता है। दिवाली के दिन मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, तो जब व्लॉग के एंड में वो दिए अलग अलग कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे इतना एक्सट्रीम पेन हुआ था यहाँ पे। एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, पर फिलहाल नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अभी तो इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी जाऊंगी मैं, पता नहीं कभी जाऊंगी पर जाऊंगी। तो फिर मैंने खुद ही मेडिसिन ले ली थी, मैं बाद में ठीक भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में एकदम पड़ी थी। दांत का दर्द इतना इतना बुरा होता है, आई कांट एक्सप्लेन कि कितना बुरा होता है। तो मैं बस पड़ी रही और मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मिठाई तो दिवाली में खाई नहीं, मैंने अभी तक मिठाई नहीं खाई। तो देखूँगी, जाऊँगी अब डेंटिस्ट के पास जब मेरा मन करेगा। तो अभी हम उंधियों को पेंट करेंगे शुरू से, मतलब शुरू से नहीं, जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से, क्योंकि अगले साल दिवाली आएगी ना। इसमें सारे कलर्स रखे हुए हैं, लेकिन येलो कलर नीचे गिर गया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बताती हूँ, रुको, मैं गधी हूँ। लुक व्हाट आई डिड, पर मैं इसको यूज़ करूँगी अच्छे से। मूड तो बहुत ख़राब हुआ था मेरा दिवाली पे, बट इट्स अब इट्स नॉट ओके। दिवाली दिवाली होती है। पहले 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 ये चिपके हुए हैं, इनको निकालना पड़ेगा। पहले जो ये येलो कलर है ना, इसको ही यूज करना पड़ेगा। ये स्पून इनको खोलने के लिए लिया था मैंने। पहले तो मुझे आवश्यकता है थोड़ी सी बुद्धि की। ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। मैं पेंट कर ही रही थी तब तक। अब भैया आ गए एक, तो ये भैया आए हैं, अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम बाकी के करेंगे। और क्योंकि जो येलो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना, वो बहुत सॉलिड हो चुकी थी, मतलब वो बहुत ही
क्या बोलते हैं उसको, इमल्शन नहीं, सेमी सॉलिड, हाँ इमल्शन, सेमी सॉलिड बन गया था। तो वो सेमी सॉलिड वहाँ लग नहीं रहा था, तो अभी मेरे को कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि वो अब काम कर नहीं रहा, और जितना बचा हुआ है उसका मुझे कुछ और करना है, तो वो भी बचा करके रखना है। ये मामा सॉक्स बना रही है, ये मेरे फ्रेंड, इनफैक्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड निहाल ने ऑर्डर करी थी कुछ दिन पहले। देख वे तेरी सॉक्स बन रही है, और मेरी, हाँ अभी मामा अब मेरी सॉक्स बना रही है। ये हाँ ये मैं पेंट कर लिया इनको, और ये मैंने अभी पेंट किए 25। फिर वो कैंडल्स भी करने हैं, उसमें से भी दो कलर्स करेंगे या फिर एक ही करेंगे, एक ही करेंगे। आई रियली रियली नीड टू टेक अ नैप। ओके गुड मॉर्निंग। मैं नहीं सोई क्योंकि मैं फ़ोन चलाती रह गई, पर छोड़ो जो भी है मज़ा आया। अब हम वो दियों पे काम करेंगे, पर उससे पहले मुझे कुछ खाना है, खाना है या फिर चाय पीनी है, मैंने बहुत टाइम लगा दिया। वो नहीं, रुको इधर, वो देखो सनसेट भी होने हो ही गया, थोड़ा सा बचा है बस ऐसे नाम मात्र। तो अभी हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं किचन में। आई जस्ट होप कि कुछ हो जो खा सकूँ मैं, पर नहीं है। फिर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, हाँ कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं मामा को पूछ के आई ठीक है कि कॉफ़ी पीनी है कि नहीं, मामा ने कहा ठीक है पी लेते हैं। तो फिर मैं पहले कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद हम वो कैंडल का काम करते हैं, क्योंकि मेरे टमी में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। तो मैं पहले वो, मुझे नींद क्यों आ रही है अब, रील्स देखते देखते तब शर्म नहीं आई। आज हमारे गांव में कुछ हो भी रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये देखो यार, मैं ग्लास में चाय पी रही हूँ, थैंक्स टू माई सिस्टर, उसने मेरा कप तोड़ दिया कॉफ़ी वाला, उसी ने गिफ्ट किया था मुझे। इतना सुंदर था वो मिट्टी का, आपने तो देखा ही है ब्लॉग्स में, तोड़ दिया। अब मैं ऐसे स्टील के ग्लास में चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। मेरे पास और कप्स भी थे वहाँ पे, हमारी जो अलमारी है ना वहाँ पे हमने आगे इतना सामान रख दिया, वो खुल भी नहीं रही, तो मुझे ग्लास में पीना पड़ रहा है। कितने बुरे दिन आ गए यार, मेरी चप्पल भी नहीं मिल रही है, क्या हो क्या रहा है। हाँ जी, मेरी डब्बे बत्ती बहुत लिखा लिखा है, और मम्मी का चश्मा मिल नहीं रहा है। तो इन दियो में से हम एक कलर पिक करेंगे। क्यों ऐसे बात करती हूँ मैं, नहीं मतलब क्यों। मैं एक काम करती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ, और फिंगर जिसके ऊपर आएगी वो कलर हम चूज करेंगे, ठीक है। ब्लू, उस दिन ना मैंने ये वाले गुस्से में इसके अंदर पटक दिए थे, अब मुझे दिख नहीं रहे, तो पहले मुझे इन सबको निकालना पड़ेगा बाहर बाहर। मम्मा दीदी के साथ बात कर रही है और किसी के बारे में बात कर रही है, तो अब ऐसा मुंह बनाने की क्या ज़रूरत होती है मुझे, नहीं लगती मैं क्यूट, क्रिंज लगती हूँ, निब्बी लगती हूँ। एक्चुअली मैं घर पे ऐसा बार बार करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के सामने हमेशा ऐसा करती हूँ, उनके सामने तो मैं क्यूट ही लगती हूँ, पर इंटरनेट पे ऐसा करना क्रिंज है, और क्यूट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भले नहीं आप नहीं हो। मैं अपने मम्मी के सामने ऐसे ड्रामे कर सकती हूँ, अपनी बहन के सामने, क्योंकि बाकी लोग तो जूता उठा के तो नहीं मारेंगे, बट ऐसे सोचेंगे कि क्या सोचेंगे कि एक्टिंग कर रही है, सोचेंगे ना। मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, आपको पता है मैं अपने बारे में एक बात बताती हूँ कि मुझे बहुत सारे गाने आते हैं, मतलब किसी भी लेटर से आप मुझे कोई भी लेटर दोगे मैं ज़रूर गाना गा लेती हूँ, ये मेरा टैलेंट है, और ये शायद नहीं हो पा रहा है तुझसे। क्यों रोस्ट करना चाहती हूँ मैं उसको, 10 लोग मेरे वीडियो नहीं दिखते, और मैं अनन्या पांडे को रोस्ट करने वाली हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, खुद उनकी ज़िंदगी बर्बाद है, हालत फंसती है, और बिल्कुल मेरे जैसे हैं वो, और फिर भी वो इतने बड़े बड़े लोगों को रोस्ट करते हैं, उनको इसको यहाँ पर रखना आता है, तुमको नहीं आता है, मुझको भी नहीं आता है। सो वी आर लेस टैलेंटेड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग अ टाइम्स ऑन इंटरनेट। मेरी वीडियो देखो अभी भी, ऐसा मत सोचो कि हम फ़ोन बंद करेंगे बिकॉज आई सेड वी आर वेस्टिंग अ टाइम्स ऑन आवर टाइम ऑन इंटरनेट, बिकॉज पीपल लाइक दोज आर बिजी इन स्टेयरिंग एट पीपल लाइक अस, इट डजंट मेक सेंस।
मैंने भांग पी लिया शायद आज मेरे चाय में, हमें दिन को चाय पी थी ना उसी के बाद से मेरा दिमाग इतना सटका हुआ है, मुझे किसी ने भांग पिला दिया। पर इतना अच्छा कोई है नहीं यहाँ पे जो इतनी महंगी चीज़ मेरे को दे दे, इतनी महंगी भी नहीं होती होगी। चुप Someone's crying so much. देखो मैंने क्या बाजार खोला है, आपने लेना है ये एक 500 रुपए का, ठीक है 500 का, 500 दे दोगे? हाँ लो 200 दो, ये ऐसे ही है, ये दिए निकाले मैंने मेल्ट करने थे ना ते सोने नौए दिए, क्योंकि अब ये तेतरे होंगे यूज। नींबू की चाय पीनी है? हाँ जी आज तो भाभी ने भी बोला चलो बनाती हूँ मैं, मेरी चाय की बहुत डिमांड होती है चाहे वो नींबू की हो चाहे भी किसी चीज़ की हो, क्योंकि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ और सच में बनाती हूँ, ये टैलेंट है मेरे पास, बाला नहीं है। क्या बोल रहे हो मेरे को मामा, क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ अकेले में बात, उनको लगा मैं ब्लॉग बना रही तो मैं अकेले में बात कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं अकेले में बहुत बातें करती हूँ, पता है मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है किसी और के साथ बात करो यार, वो स्क्रिप्ट ही फॉलो नहीं करते अकेले में, वहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम, और हम ही हमेशा रोस्ट कर रहे होते हैं, सामने वाला हमको रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रिप्टिंग हम कर रहे होते हैं, अकेले में बात करना इज मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। चाय बनाते हैं ना, मेरे नसीब में यही है चाय बनाना, चाय पीना, चाय बनाना, चाय पीना, ऐसा नसीब भगवान सबको दे, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ बनाना भी और पीना भी। हाँ बोलो ना, इस प्लेट में हमें जब मैं इनको मेल्ट करूँगी और मैं इनको मोल्ड्स में डालूँगी तो इनमें बत्ती भी तो होनी चाहिए, पहले मुझे बत्तियाँ बनानी पड़ेगी, अब मैं आपके बाद